फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। बाइक बोर्ड घोटाले में हड़पी गई रकम का आंकड़ा 2900 करोड़ रुपए अभी तक ऑडिट में सामने आ चुका है। कुल 261,000 निवेशक अपने खून पसीने की कमाई महा घोटालेबाजों को सौंपकर फटे हाल होकर सड़क पर आ चुके हैं। बाइक बोर्ड घोटाले को अंजाम देने वाली ग्रवित इनोवेटिव प्रमोटर्स कंपनी के 19 डायरेक्टर में से अब तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। महा घोटालेबाज संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल, लोकेंद्र व भूपेंद्र पकड़ से बाहर हैं। 50,000 रुपए के इनामी और 7-स्टार लग्जरी जीवन बिता रहे इन तीनों घोटालेबाजों के 3 टप्पर आर्थिक अपराध शाखा कुर्की के नाम पर उठा लाई है। लोग लुभावन झांसों में फंसे लोगों की रकम से खरीदी गई बेशकीमती गाड़ियां आर्थिक अपराध शाखा के मेरठ कार्यालय में धूल फांक रही हैं। अधिकांश माल को ठिकाने लगाने वाले बिजेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। पता है तो यहां तक जा रहा है कि 192 मुल्कों में उसकी तलाश की जा रही है। जांच और घोटाले का आकार इतना विस्तृत हो चुका है कि देश के तमाम राज्यों में बड़े पैमाने पर लोगों को ठगे जाने के कारण EOW के हाथ छोटे पड़ चुके हैं। कारण साफ है कि EOW केवल UP में ही जांच कर सकती है। इसके अलावा बाइक बोर्ड घोटाले में साइलेंट पार्टनर के रूप में बताए जा रहे IPS अफसर की भूमिका भी जांच EOW के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। यूं तो वर्तमान में स्थानीय पुलिस के अलावा STF, आर्थिक अपराध शाखा ED और SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इस महा घोटाले की जांच में लगी हुई है। बावजूद इसके यह आरोप भी लगातार लगने तेज हो चुके हैं कि जांच में जुटे तमाम लोगों के रंग ढंग भी बदल गए हैं। कारण साफ है कि जांच के दौरान ऐसे तमाम लोगों को बुलाकर छोड़ दिया गया जिन्होंने मोटी धनराशि संजय भाटी, BN तिवारी या अन्य से कमाई है। वेनिस मॉल जैसे बड़े सौदों में दलाली लेने वालों को भी यह कहते हुए माफ कर दिया गया कि उनके पास नंबर एक में पैसा नहीं आया है। माना जा रहा है यदि CBI जांच हो गई तो जांच एजेंसी से जुड़े कुछ लोग भी अपने दामन को बचा नहीं पाएंगे। आपको याद दिला दें कि 2010 में महा घोटालेबाज संजय भाटी ने ग्रेटर नोएडा के ग्राम चित्ती में ग्रवित इनोवेटिव प्रमोटर्स कंपनी बनाई थी। 2018 में कंपनी के 19 निदेशकों ने बाइक बोट स्कीम लॉन्च की। ओला व उबेर की तर्ज पर बाइक बोट चलाने का दावा करते हुए निवेशकों से 62,200 रुपये लिए गए थे। बदले में निवेशकों को 9,765 रुपये प्रति माह मिलने थे। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात आदि तमाम राज्यों के 2,61,000 से ज़्यादा निवेशक इस मकर जाल में फंस गए थे। 2019 में इस घोटाले से पर्दा उठा, पैसा अंधाधुंध कमाया गया था, लिहाजा खर्च करने में भी संजय भाटी ने गुरेज नहीं किया। लंबे धरने, आंदोलन और दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर बड़े प्रदर्शन में जाम के बावजूद किसी मीडिया ने इसे तवज्जो नहीं दी। तब से लगातार भोले भाले लोगों की आवाज़ फर्स्ट बाइट उठाता आ रहा है। जांच पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा कराए गए ऑडिट में 2900 करोड़ रुपये घोटाले के रूप में सामने आ चुके हैं। अधिकांश धनराशि ग्रवित इनोवेटिव व इंडिपेंडेंट TV में खपाई गई है। इस धनराशि को कई दर्जन फर्जी कंपनियों में घुमाया गया है। संपूर्ण प्रकरण में बाइक बोट तो स्वयं घोटाला है ही, इंडिपेंडेंट TV भी कम बड़ा घोटाला नहीं है। इंडिपेंडेंट TV के जरिए घोटालेबाजों ने बेहद आकर्षक स्कीम देकर देश के 17 लाख लोगों से 4,25,00,000 रुपये डकार लिए हैं। इसमें साल भर 500 चैनल फ्री देने की बात कही गई थी। प्रत्येक TV उपभोक्ताओं से जो कि 2500 रुपये लिए गए थे, लिहाजा किसी ने धनराशि वापसी के लिए कोर्ट अथवा पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाया और यह धनराशि सीधे महा घोटालेबाजों के पेट में समा गई। आपको याद दिला दें कि इंडिपेंडेंट TV पहले अनिल अंबानी के स्वामित्व वाला रिलायंस TV था। बताया जा रहा है कि 1 रुपये वे बकाया देनदारी चुकाने की कीमत पर यह बिजेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया था। यह देनदारी कितनी थी यह कभी उजागर नहीं हो पाया। बाइक बोट घोटाला ही करीब 4,500 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। ऑडिट में 2900 करोड़ रुपये प्रकाश में आए हैं। हाल ही में इस महा घोटाले के दूसरे मास्टरमाइंड BN तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया हाउस से जुड़े BN तिवारी के बेटे भी कंपनी में निदेशक थे, लेकिन अभी तक पकड़ से बाहर हैं। ग्रवित इनोवेटिव प्रमोटर्स कंपनी के 19 में से 16 निदेशक अभी तक जेल जा चुके हैं। इस दौरान
निवेश करने के बाद स्कीम को आकर्षक पाते हुए जिन लोगों ने अन्य लोगों को बाइक बोट में पैसा लगवाया और अतिरिक्त कमीशन अर्जित किया, वे जरूर जांच एजेंसी से जुड़े कुछ लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहे हैं। इन लोगों की पहले घर पकड़ और बाद में घर जाने की प्रक्रिया दूध दोहने के समान हो गई है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बाइक बोट से पैसा तो लूटा लेकिन वह कागजों पर नहीं है। यही आधार उन्हें पकड़ने व छोड़ने का मुख्य आधार बना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना अपनी रफ्तार तेज कर चुका है। सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और सेफ रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।